हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि नवंबर मंथ में निकलनी है। तो जिन कैंडिडेट्स ने 10th 12th पास की है और वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो वो इस पोस्ट के लिए भी सोच सकते हैं। जैसे MTS पोस्ट होगी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, मेल गार्ड की होगी, पोस्टमैन, वो यहाँ पे फीमेल के लिए भी काफी वैकेंसीज हैं। अगर आप डेटा एंट्री के लिए जाना चाहते हो तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। बस आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी रहेगी मल्टीटास्किंग स्टाफ की 10th पास, मेल गार्ड के लिए चाहिए 12th पास एंड कंप्यूटर नॉलेज। और यहाँ पे आप डेटा एंट्री के लिए भी जा सकते हो। पोस्टमैन के लिए 10th और 12th पास, ठीक है, यहाँ तो 10th चाहिए यहाँ तो 12th। एज लिमिट रहेगी मिनिमम ईयर 18 चाहिए और मैक्सिमम 32 इयर्स। एज रिलैक्सेशन भी है एज पर द कैटेगरी एंड एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रिटन टेस्ट में सिंपल आपकी जनरल नॉलेज होगी, क्वांट होगा, रीजनिंग होगा, मतलब बेसिक चीजें होंगी। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया नवंबर मंथ में निकल जाना है। और जिस दिन भी इस रिक्रूटमेंट को लेकर नोटिफिकेशन आएगी उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। पे स्केल की अगर हम बात करें तो वो 18,000 से लेके 56,000 तक रहेगी एज पर योर पोस्ट। तो आज की वीडियो में हमने बात की है पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स।